हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी के 48 क्वेश्चन की क्विज़ लेकर आया हूं, जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। रमा प्लस ईस इज इक्वल टू रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? इसमें दोस्तों गुण संधि है। गुण संधि का सूत्र होता है वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यह संधि की परिभाषा है, ठीक है दोस्तों। और संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो रमा प्लस ईस में आपकी गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि का सूत्र है आद गुणा। जब संधि करते समय अ और आ के साथ ई और ई हो तो ए बनता है, जब अ और आ के साथ उ और ऊ हो तब ओ बनता है, जब अ और आ के साथ री हो तब अर बनता है, तो यह गुण संधि कहलाती है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए शब्द के लिखित रूपों में से शुद्ध रूप बताइए। पहला ऑप्शन सही है, रचयिता सही ढंग से लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय है। चौथा ऑप्शन सही है, एडिटोरियल। चौथा क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पारित किया गया था, इसको बाद में 1967 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर पाँच में आते हैं, इनमें कौन सा काव्य गुण नहीं है? आपका चौथा ऑप्शन सही है, तेज। काव्य के तीन गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद एवं ओज। तेज नहीं होता है कोई भी गुण। छठे क्वेश्चन पर आते हैं, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना अर्थ किस मुहावरे का है? पहला ऑप्शन सही है, ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना। सातवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कहावत सही है? चौथा ऑप्शन सही है, हाथ कंगन को आरसी किया। बाकी कहावतें बनाई गई हैं, गलत हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आठवां आप क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन संधि है? तीसरा ऑप्शन सही है, वाक प्लस ईस, ये व्यंजन संधि है। संधि तीन प्रकार की होती बताया अभी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि जो है पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में, प्रारंभ में व्यंजन या स्वर हो, तो इससे जो मेल उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नवा क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तीसरा ऑप्शन सही है, पाँच वर्गों में रखा जाता है हिंदी की बोलियों को, और उन वर्गों को उपभाषा भी कहा जाता है। तो हिंदी के जो पांच वर्ग हैं, पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा बिहारी, चौथा राजस्थानी, पांचवा पहाड़ी। दसवां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीसरा ऑप्शन सही है, आठ भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां विस्मयवाचक, आठवां संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन दोस्तों, आपने हमें महान कर दिया, ये कैसा वाक्य है? ये विस्मय आदि बोधक वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बारहवां क्वेश्चन, अवसरवादी अर्थ किस लोकोक्ति से निकलता है? दूसरा ऑप्शन सही है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास।
का अर्थ है अवसरवादी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन सही है राकेश, बाकी दिनकर, रवि और दिवाकर सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। राकेश मीन्स चंद्रमा, जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 14वां क्वेश्चन, इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला ऑप्शन सही है अधिकतर। उपसर्ग वो हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर निर्माण करते हैं शब्द का, तो इसमें तर लास्ट में जुड़ा हुआ है जो कि प्रत्यय है, अधिक के लास्ट में तर जुड़ा हुआ है, तो अधिकतर ऑप्शन सही है जो कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। 15वां क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है, तीसरा ऑप्शन सही है व्याकरण, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है। 16वां क्वेश्चन, इनमें कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? पहला ऑप्शन सही है श्रृंगार और शांति, ये दो रस महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। 17वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? पहला ऑप्शन सही है 343 आर्टिकल के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा अनुच्छेद 351 में हिंदी के डेवलपमेंट विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 18वां क्वेश्चन, इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? चौथा ऑप्शन सही है द्वंद्व समास, वो समास है जिसके दोनों पद जो है मेन होते हैं, उनका रोल होता है, और उनका विग्रह उनको अलग करने पर उनके बीच में और, अथवा, या, एवं, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है, और वो एक ग्रुप के होते हैं, जैसे सीताराम, रात दिन, माता पिता, ये एक ग्रुप के हैं और दोनों की इम्पोर्टेंस है, दशा और पति, ये अलग अलग अर्थ में है, यही ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास नहीं है इसमें। 19वां क्वेश्चन, जे ही बर बाजी राम अवतारा ते ही सार दंड न बर नहीं पारा, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें चौथा ऑप्शन सही है अतिशयोक्ति, जहां किसी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर की बात की जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 20वां क्वेश्चन, प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है? विभाषा, बोली में जब साहित्य की रचना होती है तो वह बोली विभाषा बन जाती है। विभाषा का जो क्षेत्र है वो बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होता है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। हिंदी की विभाषाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी व खड़ी बोली, ये सब विभाषा हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, मैथिली विभाषा है। 22वां क्वेश्चन, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति, शब्द, शब्द क्या है? ध्वनियों के मेल से बने वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे किताब, विद्यालय, लड़का, ये सब शब्द हैं, ठीक है। अब शब्दों के अनेक प्रकार हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम क्या है? जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हों उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे कोकिल, मक्षिका, अज्ञान, ये ज़्यादातर संस्कृत के वर्ड लगते हैं। दूसरा तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे कोयल, मक्खी, जान, खेत, पत्ता, भिखारी, सेठ, ये सब। तीसरा देशज, जो शब्द अन्य भाषाओं, संस्कृत को छोड़कर, घरेलू बोलियों से लिए गए हों उन्हें देशज कहते हैं, जैसे घरौंदा, बाड़ा, पेट, छाती, तेंदुआ आदि। चौथा विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हों उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे जमीन, गुलाब, बाग, अदालत, प्लेटफार्म, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, प्याली, पादरी, कूली आदि। तो ये हैं आपके व्युत्पत्ति की दृष्टि से चार भेद होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ न निकले निरर्थक शब्द। बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ी। रूढ़ी शब्द वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे उसके टुकड़े किए जाएं तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक वो हैं जिनके खंड किए जाएं और उनका खंड का भी अर्थ निकले, जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक और आलय दो
अलग अलग शब्द हो गए और दोनों का अर्थ है, जैसे गंगा जल, तो गंगा और जल दोनों के अर्थ हैं अपने अलग अलग, ये यौगिक हैं। तीसरे नंबर पे आता है योग रूढ़ी, वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, जैसे पीताम्बर, पीला है अम्बर जिसका, ठीक है, श्री कृष्ण जी, लंबोदर गणेश जी, तो उसका एक अलग ही अर्थ हो जाता है, तो वो योग रूढ़ी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन या चेंजेज आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, वह का वे, हरा का हरी, हरे, ठीक है। नोट, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले ही शब्द आते हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर दूसरा है अविकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार या चेंजेज नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे भीतर, बिना, वाह, ये शब्द। अगला क्वेश्चन, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं, हाँ दो ही प्रकार के होते हैं। छंद निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। ये सब चीज़ें छंद में आती हैं, चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण, इन सब के द्वारा जो सुनियोजित पद्य रचना है, जो रचना है पद्य वाली, उसको छंद कहते हैं। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, ठीक है दोस्तों। छंद के अंग भी होते हैं, पहला अंग है चरण या पाद, चरण को पाद भी कहते हैं। एक छंद में प्रायः चार चरण होते हैं, चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, ठीक है दोस्तों। चरण दो प्रकार के होते हैं, समचरण, विषम चरण, सम दूसरा चौथा और विषम पहला तीसरा। दूसरा छंद का पार्ट है वर्ण या मात्रा, वर्णों में उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व जिसको लघु वर्ण भी कहते हैं, दीर्घ वर्ण, लघु वर्ण में एक मात्रा होती है, दीर्घ वर्ण में दो मात्राएं होती हैं। लघु का जो चिन्ह है वो पूर्ण विराम की तरह या वन की तरह होता है, और गुरु का चिन्ह जो है एस की तरह होता है, जिसको दो काउंट किया जाता है। तीसरा जो अंग है छंद का, यति, किसी छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ रुकता है या विराम लेता है उसे यति कहते हैं। चौथा जो अंग है गति, छंद को पढ़ते समय पाठक एक प्रकार का लय या प्रवाह अनुभव करता है, इसे गति कहते हैं। पांचवा पार्ट है तुक, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। छठा गण, वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है, तीन वर्णों का एक गण होता है, गणों की संख्या आठ होती है, जैसे यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और शगड़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? पहला ऑप्शन सही है पंकज, पंकज मीन्स कमल, ठीक है दोस्तों। तो बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ऐसा शब्द जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उन दोनों पद से मिलकर किसी तीसरे पद की रचना होती है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पंकज है तो पंक माने कीचड़, ठीक है, कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। जैसे लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण जी, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, उनसे एक नए वर्ण का निर्माण होता है, तो वहाँ पे आपका होता है बहुव्रीहि समास। 25वां क्वेश्चन, इनमें से मुहावरा कौन सा है? आँख चिपकना, आँख फट जाना, आँखें चार होना, आँख न होना, थर्ड ऑप्शन सही, आँखें चार होना, बाकी कोई मुहावरा नहीं है। 26वां क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार है, ठीक है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मुख चंद्र है, चरण कमल है, तुलनात्मक स्थिति में उपमा अलंकार होता है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, लेकिन जब उसको टोटली वही रूप दिखा दिया जाए तो वहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार होता है, जिसको मेटाफोर बोलते हैं इंग्लिश में। 27वां क्वेश्चन है, वीणा पाणि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, इसमें भी ये बताया था कि जब एक शब्द के दो पार्ट हो, दोनों
की इंपॉर्टेंस न होकर एक अलग ही अर्थ क्रिएट हो। वीणा पाणी, वीणा पाणी का विग्रह वीणा है जिसके, पाणी मीन्स हाथ, जिसके हाथ में वीणा है वो सरस्वती है। यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। 28वां क्वेश्चन, होनहार बिरवान के होत खाली स्थान है, इसमें भरना है चिकना घड़ा, चिक्कन में पढ़ना, पात पात चीकने पात, चौथा ऑप्शन सही है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसका अर्थ है महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आने लगते हैं। इस तरह की और लोकोक्तियां हैं जैसे हथेली पर सरसों नहीं उगती, मतलब कार्य के अनुसार समय भी लगता है। समर्थ को नहीं दोष घुसाई, अर्थात गलती होने पर भी सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं कहता। मेंढकी को जुकाम होना, मतलब नीच आदमियों द्वारा नखरे करना। दाल भात में मूसल चंद, मतलब किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना। थोथा चना बाजे घना, अर्थात गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है या आडंबर करता है। ऊंट किस करवट बैठता है, अर्थात परिणाम में अनिश्चितता होना। तो ये सब लोकोक्तियां हैं इंपॉर्टेंट। 29वां क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास है। दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं जिसमें एक पार्ट है तत्पुरुष, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इसमें तत्पुरुष समास में आपका राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो ये संबंध को दर्शा रहा है, तो इसमें संबंध तत्पुरुष है, ठीक है दोस्तों। तत्पुरुष समास है इसमें, संबंध तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन सही है। 30वां क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? वैसे तो रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन भरत मुनि, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की का विवेचन किया। आचार्य भरत मुनि ने रस को जो है रस संप्रदाय का आचार्य भरत मुनि को जो है रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो कनिष्ठ माने छोटा होता है, तीसरा ऑप्शन सही है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। 32वां क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? दूसरा ऑप्शन सही है, रसमंजरी, जो कि तुलसीदास की रचना नहीं बल्कि सूरदास जी की है, बाकी सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। 33वां क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। 3 भेद वो कौन से हैं? पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, या आपने अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला है साधारण या सरल वाक्य, इसमें एक सब्जेक्ट, एक उद्देश्य और एक प्रेडिकेट, एक विधेय होता है। इसमें एक ही वर्ब होती है, क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते, जैसे राम गेंद से खेलता है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ा सरल वाक्य, इसमें एक ही क्रिया होती है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उसमें योजक चिन्ह भी होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जैसे मैं गया और वह आया, तो दोनों वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों किसी से कोई रिलेशन नहीं है, बस एक संयोजक चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहेंगे। किंतु परंतु तथा इसलिए या अथवा अन्यथा, ये सब योजक चिन्ह जो है आते हैं इनके बीच में। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय गया, दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, इसलिए योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा नंबर है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, ये रियल में एक ही सेंटेंस होता है लेकिन उसके उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष अन्य उपवाक्य होते हैं। तो जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह बीमार है, तो वह बीमार जो है वो आश्रित उपवाक्य है।
इनमें भी योजक चिन्ह आते हैं, जैसे जब, तब, जहां, वहां, की, क्योंकि, अगर, यदि। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आया, तो दूसरा वाला वाक्य पहले पर डिपेंड है। मिश्रित वाक्य में डिपेंडेंसी बनी रहती है, लेकिन जो संयुक्त वाक्य है उसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र रहते हैं। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं, तो दूसरा पहले पर डिपेंड है, दूसरा जो है जो डिपेंडेंट उपवाक्य है। 34वां क्वेश्चन, मातृभूमि सी मातृभू है, अन्य से तुलना कहीं यत्न से भी ढूंढने पर मिले हमें सकता नहीं, इनमें कौन सा छंद है? इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, गीतिका छंद है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है, यह सममात्रिक छंद है, अंत में लघु और गुरु आता है। 35वां क्वेश्चन, कृपण शब्द का विलोम क्या है? तो कृपण का विलोम जो है दानी है, कृपण माने कंजूस होता है। 36वां क्वेश्चन, कौन्तेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन्तेय शब्द में अप्रत्यवाचक तद्वित प्रत्यय है। 37वां क्वेश्चन, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, अनिल, गगन, राका, ये अग्नि के पर्यायवाची नहीं है। 39वां, 39वां, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, अधिसूचना। 40वां क्वेश्चन, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो सबसे पहले मौखिक रूप है भाषा का, जो मूल रूप है। 41वां क्वेश्चन, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। रोला के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं, यह सममात्रिक छंद है। 42वां क्वेश्चन, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है? तो आपका हरि गीतिका छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है, यह भी एक सममात्रिक छंद है। 43 क्वेश्चन, तुंग का पर्यायवाची, पहला ऑप्शन सही है, ऊंचा। तुंग माने गगनचुंबी, उच्च, लंबा, ऊर्ध्व मतलब सीधा, ऊपर, बुलंद। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है? दूसरा ऑप्शन सही है, भामह। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सबसे पहले भामह ने जो है महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। 45वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा रूप क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है, कौरवी। खड़ी बोली का जो मूल नाम है कौरवी है, साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम चेंज हो गया, खड़ी बोली पड़ा। आज की हिंदी मूलतः कौरवी पर ही आधारित है। 46 क्वेश्चन, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन सही है, भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने ही अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया, उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तन भी माना जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सरोवर कहा है। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलज शब्द का अर्थ नहीं देता है? तो जलज शब्द तीसरा ऑप्शन सही है, जलज का अर्थ नहीं है। जलज माने कमल होता है, कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, नीरज, सरोज। ठीक है दोस्तों, बादल जो है वो जलज का अर्थ नहीं है। 48वां क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन सही है, अंक, अंक माने संख्या और अंक माने गोद भी होता है, बाकी गलत है सब। दोस्तों क्विज का पार्ट समाप्त हुआ। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन या पार्ट आपको लगता है कि शेयर करने लायक है तो इसको ज़रूर शेयर करें, जैसे जिससे कि किसी का हित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।